शबनम सचदेवा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई एडवेंचर वीडियो। तो दोस्तों आज की एडवेंचर वीडियो में मैं आपको घुमाने वाली हूँ मनाली हिमाचल प्रदेश। तो आप सोच रहे होंगे घर पे बैठे बैठे, जी हाँ घर पे बैठे बैठे, देखिए कैसे। एडवेंचर क्लब की तरफ से एडवेंचर कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके लिए हमें पहले पहुंचना था पंचकुला। हमारे कॉलेज से 4 वॉलंटियर्स का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से मैं एक थी। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अपने कॉलेज लेक्चरर्स का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और नेशनल एडवेंचर क्लब के लिए मुझे नॉमिनेट किया। मुझे मनाली गए हुए लगभग हो चुके हैं 5-6 साल, तो तब इतनी अकल नहीं थी कि हर एक चीज़ को हम कैप्चर कर लेते, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ तो है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। तो वहाँ पर सबसे पहली एक्टिविटी जो हमने की थी वो थी पैरेलल रोप। तो दोस्तों उस पैरेलल रोप में मतलब देखने में तो बहुत डर लगता था कि हाय गिर गए तो नीचे खाई है, चोट लगेगी, ये वो, बचेंगे या नहीं बचेंगे सबसे बड़ी चीज़। लेकिन ये था कि वहाँ पर सेफ्टी पूरी थी, मतलब उन्होंने हमें हार्नेस वगैरह सब कुछ लगाया हुआ था, तो वो बोलते थे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ गर्ल्स ऐसे थी कि नहीं मैं नहीं करूँगी, लेकिन मुझे बड़ा मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि हाँ आए हैं तो करके ही जाएंगे, चाहे कितना ही डर लगे अंदर से, लेकिन हाँ करना ज़रूर है। तो फिर सबसे पहले वो बोलते थे सबसे पहले कौन जाएगा, मैं हाथ खड़ा करती थी कि हाँ मुझे करनी है ये एक्टिविटी। गया था क्योंकि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से 4 या 5 गर्ल्स आई हुई थी
और वहाँ पर क्या हुआ था कि मतलब कि 7 days कैंप लगा था हमारा और एडवेंचर कैंप था, तो हमें रहने के लिए घर नहीं दिया गया था, कोई रूम वगैरह नहीं दिया गया था, टेंट लगे हुए थे, टेंट के अंदर हमें रहना था। और जिसमें ये भी था कि रात के टाइम बाहर नहीं निकलना क्योंकि वहाँ पर भालू वगैरह, क्योंकि जंगल के अंदर था वो हमारा जो बेस कैंप था वो, तो वहाँ पर हमें बोल दिया गया था कि बाहर नहीं निकलना रात के टाइम, चाहे कितना ही शोर हो कुछ हो। और सबसे डरावनी चीज़ क्या थी कि हमारे टेंट के अंदर लाइट का कनेक्शन नहीं था। तो दोस्तों वहाँ पर क्या था, टेंट था उसके अंदर लॉक भी नहीं था, जिप होती थी कि जिप डाल देनी है नीचे, बंद कर देना है उसको और अंदर सो जाना है, तो कोई भी खोल सकता था। तो हमें डर लगता था कि कभी भालू ना आ जाए, ये ना आ जाए। कैंप में हमारे साथ भी बहुत एडवेंचर हुआ था क्योंकि हमारे टेंट में तो लाइट थी नहीं और सभी टेंट मतलब छोटे छोटे टेंट थे और हमें लगभग 7-7 गर्ल्स में डिवाइड कर दिया गया था कि 7 गर्ल्स को एक टेंट मिलेगा, 7 गर्ल्स को एक टेंट मिलेगा, तो इस तरह से। तो चार्जिंग पॉइंट नहीं था, सबसे मेन झगड़ा क्या होता था भाई साहब कि चार्जिंग पॉइंट पर हमें बड़ी दिक्कत तो ये होती थी कि कल की फोटोज क्लिक करने के लिए फोन को चार्ज कैसे करें। तो दोस्तों वहाँ पर क्या था, सभी टेंट से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था, यानी कि तंबू लगा लो, वो चारों तरफ से खुला था, ओपन था, उसके अंदर एक एक्सटेंशन लगा हुआ था जिसमें 5-6-7 लगा लो, 7 या 8 थे वो चार्जिंग पॉइंट थे। तो वहाँ पर झुंड लग जाता था कि तेरा 50% हो गया यार, तू निकाल ले, मेरा एक डेड हो रखा है यार, घर वालों का फोन आएगा, परेशान हो रहे होंगे, 2 दिन से बात नहीं हुई यार, प्लीज लगाने देना, ऑन करने दे, 15% करने दे, बस 15%। तो इस तरह से वहाँ पर झगड़ा होता था हमारा फोन चार्जिंग करने को लेकर। तो दोस्तों बहुत ही मजा आया था वहाँ पर, बहुत। तो इस सॉन्ग में यही एक्टिविटी हुई है, मुझे तुरंत यही ध्यान आया कि हाँ ये एक्टिविटी तो जरूर करूंगी मैं और वीडियो क्लिप भी बनाऊंगी, बनाई भी थी। सबसे पहले गई थी और मैंने की ना, तब सभी को देखने में इतना मजा आया, वो बोले कि हाँ अब लास्ट डे हमें मनाली की मार्केट में घुमाया गया था। तो वहाँ की मार्केट में हमने कुछ पिक्स क्लिक की थी जिनकी मेमोरीज मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। टारगेट रखा हुआ था कि आपको सामने शूट करना है और जब मेरी बारी आई मैंने गोली चलाई और वो गोली दिखी नहीं, ना दाएं ना बाएं, और पता नहीं कहां ही गई, सभी बोले कि ये कैसा निशाना था। एक एक्टिविटी थी रॉक क्लाइंबिंग जिस पर हमें पहाड़ पर चढ़ना था, तो उसके लिए बहुत ही दुख की बात है कि मेरी वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई। तो रॉक क्लाइंबिंग की वीडियो नहीं है, पिक है मेरे पास एक, वो मैंने दिखा दी है वीडियो में। और उसके बाद जब ऊपर चढ़ गए थे तो नीचे भी उतरना था, उसको बोलते हैं रैपलिंग, तो रस्सी को पकड़ के और फिर नीचे उतरना था, वो छोटी सी क्लिप है मेरे पास।
था वहां पर। ठंड इतनी थी जबरदस्त कि रात को हम सोते थे ना, हमें स्लीपिंग बैग दिए हुए थे क्योंकि स्लीपिंग बैग में डर जाओ अंदर से जिप बंद कर लो उसकी तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती थी, लेकिन वहां पर स्लीपिंग बैग के अंदर भी ठंड लगती थी। तो उन्हें लगा कि भाई हाँ बहुत ठंड हो रखी है, क्योंकि वहां पर रात को मेरे ख्याल से -4 या -5 तक टेम्परेचर चला जाता था। तो उन्होंने हमें एक एक ब्लैंकेट और दिया था कि पहले इस ब्लैंकेट को फोल्ड करो, फिर स्लीपिंग बैग के अंदर जाओ और फिर सो जाओ, तब ठंड नहीं लगेगी। तो भाई साहब इतनी ज़बरदस्त ठंड थी, और हम सब जब सुबह उठते थे ना तो हमारे स्लीपिंग बैग के ऊपर यूँ पानी पानी होता था, मतलब कि बर्फ़ जम रही होती थी। और वहाँ पर रूल्स भी बहुत थे कैंप में, एडवेंचर कैंप में बहुत ही स्ट्रिक्ट कैंप था वो। उसमें सबसे मेन चीज़ जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था वो क्या था, मतलब बताने में भी घर आके बताया मैंने कि हाँ ऐसे हुआ था। वहाँ पर हमें ग्रुप्स में डिवाइड तो किया हुआ था, मैंने बताया पहले ही। तो वहाँ पर हमें एक दिन ब्रेकफास्ट में मेरे ख्याल से पकोड़े मिले थे। तो वहाँ पर एक रूल था कि जो भी खाना मिलेगा चाहे थोड़ा लो चाहे ज़्यादा लो, थाली को बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा, बिल्कुल साफ़ होगी तभी वो थाली रखने देंगे, वरना नहीं रखने देंगे चाहे लेके बैठे रहो उसे। तो एक दिन ब्रेकफास्ट में पकोड़े बनाए थे, तो हमें पकोड़े मिले थे। तो भाई साहब मैंने सॉस रखी पकोड़े लिए, पकोड़े तो खा लिए लेकिन सॉस रह गई। तो मैं थाली रखने गई तो बोले नहीं इसे खाओ, मैंने बोला सॉस कैसे खाऊंगी, बोले हमें नहीं पता आपने ली थी थोड़ी ले लेते, मैंने कहा सॉस का क्या पता था कितना लेना है, तो बोले कि खाओ। तो भाई साहब वो ज़बरदस्त वाला सीन था ना, मुझे पता है मैंने वो सॉस कैसे खाई उठा उठा के, और जब तक वो थाली साफ़ नहीं हुई ना उन्होंने मुझे रखने नहीं दी। मुझे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती थी या फिर जब खाने के लिए बुलाना होता था या जिस भी चीज़ की हमें कुछ बताना होता था, तो वो एक विसल बजाते थे, उनके पास एक विसल थी, वो विसल बजाते थे ग्राउंड के बीच में आके ताकि सभी टेंट्स में आवाज़ चली जाए। तो जब सुबह 5 उन्होंने बताया था कि ब्रेकफास्ट के लिए हम सुबह 6 बजे विसल बजाएंगे, तो जिसकी नींद खुल गई तो वो खाना खाने पहुंच जाएगा, जिसकी नींद नहीं खुली तो वो सोता ही रह जाएगा। तो क्या होता था कि विसल बजती थी उसके तुरंत 5 मिनट के अंदर अंदर, चाहे हमारी नींद खुली है, हमें विसल सुनाई दी है या नहीं दी, हमने मुंह धोया है या नहीं धोया, ब्रश किया या नहीं किया, उन्हें कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ विसल बजाने से मतलब था कि जिसको खाना खाना है वो पहुंच जाएगा, जिसको नहीं खाना नींद पूरी करनी है वो आराम से सोएगा। वीडियो थोड़ी सी ठीक ठाक लगी होगी, इमेजिनेशन से ही सही लेकिन थोड़ा सा मनाली तो घूम ही लिया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ तुम्हें उस भालू की कसम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ।
हाँ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मस्ती के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।